सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर 3 दिवसीय आयोजन के दौरान विभिन्न कार्यक्रम सिख यूथ फोरम भिलाई के माध्यम से गुरुद्वारा शाहिद बाबा दीप सिंह जी सुपेला में आयोजित किए गए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के तीनों साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए बचपन में अपनी कुर्बानी दे दी थी। उन्हीं में से बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म दिहाड़ा सिख यूथ फोरम भिलाई के द्वारा गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी सुपेला में मनाया गया। इस अवसर पर 3 दिवसीय आयोजन किए गए, जिसमें गंगानगर पंजाब से आए कथावाचक ज्ञानी हरविंदर सिंह जी एवं दरबार साहिब अमृतसर से विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हुजूरी रागी जत्थे के भाई रंजीत सिंह जी ने अपनी विशेष प्रस्तुतियां गुरुद्वारा साहिब में दी। इस अवसर पर सिख यूथ फोरम भिलाई द्वारा 11वां विशेष गुरमत समागम एवं अमृत संचार का आयोजन भी किया गया। ग्यारहवें विशेष गुरमत समागम एवं अमृत संचार के कार्यक्रम में सिख समाज के गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत सम्मान सिरोपा देकर किया गया। साथ ही सिख समाज के प्रमुख खेल गतका को राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिलने के बाद भिलाई के गतका एसोसिएशन द्वारा इस खेल में समाज के बच्चों को पारंगत करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का जौहर दिखाने के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजा गया। और इस कार्य में अपना अमूल्य योगदान देने वाले हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक इंद्रजीत सिंह का विशेष सम्मान भी किया गया। आयोजित इन सभी कार्यक्रम की जानकारी सिख यूथ फोरम भिलाई के जसवंत सिंह खालसा एवं गतका एसोसिएशन के अमनदीप सिंह ने न्यूज टीम को दी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज सिख यूथ फोरम की तरफ से गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी सुपेला में 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिख यूथ फोरम की तरफ से 3 दिन का विशेष गुरमत समागम का जो आयोजन किया गया, इसमें हमारे सिख पंथ के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक यानी हरविंदर सिंह जी गंगानगर वाले और दरबार साहब अमृतसर से हजूरी रागी भाई रंजीत सिंह जी विशेष रूप से धारे थे, जिन्होंने 3 दिन तक संगत को गुरमत विचार और शब्द कीर्तन से निहाल किया। सिख यूथ फोरम की तरफ से ये 11वां साल है जो ये सेवा हो रही है। और उसके अलावा सिख यूथ फोरम की तरफ से जो 2015 में अजीत खालसा गतका अखाड़े का गठन किया गया है, जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि महाराष्ट्र उड़ीसा में भी अपना अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करता रहा है और उनको एक विशेष सम्मान मिलता रहा है। कुछ वर्षों पहले जो हमारा शस्त्र विद्या, जिसको आप गतका के नाम से जानते हैं, इसको राष्ट्रीय खेलों में भी शामिल किया गया है, स्कूल खेलों में शामिल किया गया है और अजीत खालसा गतका अकेडमी का भी गठन अभी कर लिया गया है, जिसमें पहली बार हमारे बच्चे चंडीगढ़ खेलने के लिए नेशनल गए थे बॉयज़ की टीम, और उसके कुछ दिन बाद ही हमारी गर्ल्स की टीम बठिंडा खेलने गई थी, जिसमें हमारे लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ की टीम पहली बार गई और पहली बार उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सिख यूथ फोरम, जिसका उद्देश्य यही है कि हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जहाँ भी उनकी आवश्यकता पड़ती है, हम लोग सिख यूथ फोरम की तरफ से उनके साथ हमेशा खड़े होते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे सिख समाज के जो बच्चे हैं वो हमेशा ही आगे बढ़ें। और बीच में जो पिछले 2 साल पहले कोरोना वायरस का जो काफ़ी प्रकोप था, उसमें सिख यूथ फोरम की तरफ से लगभग 365 परिवारों को राशन के किट दिए गए थे। सिख यूथ फोरम हमेशा ही इस प्रति गंभीर रहता है कि अपने क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य हों, चाहे वो खेलकूद के संबंधित हों चाहे शिक्षा चिकित्सा से संबंधित हों, अपना हमेशा ही हम योगदान देते रहे हैं और आगे भी इसी तरह से सिख यूथ फोरम अपना सहयोग धार्मिक क्षेत्र में चाहे सामाजिक क्षेत्र में अपना सहयोग देता रहेगा। जी, आज सुपेला स्थित बाबा दीप सिंह शहीद गुरुद्वारे में जो सिख यूथ फोरम की तरफ से मनाया जा रहा है निरंतर 10 वर्षों से, और ये आज 11वां वर्ष था जिसमें बाबा अजीत सिंह साहब जी का जन्म दिहाड़ा मनाया गया है, जो कि गुरु गोविंद सिंह साहब जी के बड़े साहबजादे थे। उनके नाम से 2015 में गठन किया गया था अजीत खालसा गतका अखाड़ा,
जिसके पहले से जो कि अजीत सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा था, और आज उस जन्म दिहाड़े को मनाते हुए हमको 11 वर्ष हो गया है सुपेला स्थित बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे में। और ये जो समागम है ये पिछले 3 दिनों से निरंतर चल रहा था, जिसमें कथा और गुरबाणी का कीर्तन पाठ और साथ में लंगर की व्यवस्था भी की गई थी। सिख यूथ फोरम भिलाई लगातार समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करता आया है। इसके पूर्व भी फोरम ने समाज में अपनी महती भूमिका निभाई है और आगे भी इसी तरह के कार्य करते रहने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।